बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, लालू यादव, हेमंत सोरेन समेत कई दिग्गज शामिल हुए। इस बैठक में तय किया गया है कि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया होगा, जिसका मतलब होगा इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। बैठक खत्म होने के बाद विपक्षी दलों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली सीएम के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 सालों में हर क्षेत्र को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बता दें, अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पीएम नरेंद्र मोदी के पास मौका था, लेकिन 9 सालों में उन्होंने क्षेत्र को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने सब कुछ बेच दिया। आज देश में हर आदमी दुखी है। 26 पार्टियां अपने लिए नहीं देश के लिए एकजुट हुए हैं। हम देश को बचाने आए हैं। जिस तरह से पूरे देश में नफरत फैलाई जा रही है, उसे बचाना है। एक नए भारत का सपना लेकर हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, जिनमें हर युवा को रोजगार, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर व्यक्ति को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। ये सपना लेकर हम सब इकट्ठा हुए हैं। एक ऐसा भारत होगा जहां सुख शांति प्यार मोहब्बत होगा और देश तरक्की करेगा, ना कि देश के संसाधन कुछ चंद लोगों के लिए लुटाए जाएंगे। आज बहुत अच्छी बातें हुई हैं। अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को कड़ी चुनौती देने के मकसद से 26 विपक्षी दलों ने दूसरी बैठक बेंगलुरु में की। इससे पहले 23 जून को पटना में पहली बैठक हुई थी। अगली बैठक के बारे में बताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो मुंबई में होगी।